हाय फ्रेंड्स, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी किड स्पेशल, यानी कि बच्चों की ये फेवरेट। लाई हूँ मैं आज गेहूं के आटे से बने हुए स्प्रिंग रोल, चॉकलेट स्प्रिंग रोल। बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं, एक बार आपको ज़रूर इसको बना के ट्राई करें। जैसे कि अब आगे आगे फेस्टिवल आ ही रहे हैं, फेस्टिवल के सीजन में अगर आप इसको बना कर बच्चों के लिए पहले से बना के रख सकते हैं। जैसे राखी का त्यौहार है, इस पे मेहमान काफ़ी सारे होते हैं, साथ में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट ले ली है, चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर लिया है, ऊपर से डाल दें कोकोनट पाउडर। आप इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल दें, मैंने नहीं डाली। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है मैदा, मैदे को मैंने थोड़ा पानी डाल के इसकी लेई बना ली है, जैसे कहते हैं ना गम टाइप में बना लिया है इसे। और इसको हम चारों तरफ लगाएंगे हमारी सीड्स के। ये मैंने गेहूं के आटे की सीड्स लिए हैं, इसकी मैं वीडियो में पहले भी आप बना के डाल चुकी हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें। और इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, आप चाहे लंबे या गोल किसी तरह से बना लें। चॉकलेट से पहले हम बना के रख लेंगे, क्योंकि गर्मी हो रही है तो भी पिघल जाती है चॉकलेट, तो मैंने छोटे छोटे से ये बॉल्स बना के रख लिए हैं। और बॉल्स बनने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाता है। चारों तरफ हमने लगा लिया है इसमें गम यानी कि मैदा, और ऊपर से हम इसको मिनी राउंड राउंड करके हम इसको रोल तैयार कर लेंगे। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारे रोल्स तैयार कर लूँगी, अच्छे से चिपकाएं, क्योंकि जैसे ही अच्छे से चिपकेगा तो इसके अंदर का जो चॉकलेट है वो नहीं निकलेगी। तो हमने ये छोटे वाले बनाए हैं, आप इस बड़े वाले भी बना सकते हैं। मैंने सीड्स छोटी वाली बड़ी वाली दोनों ही आपको काट के दिखाई है किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी सीड्स तैयार हो चुकी हैं, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो तेल था रिफाइंड ऑयल, ये अच्छे से गर्म हो चुका है, तो लो टू मीडियम आँच पर हम इसको पकाएंगे। अगर हमने तेज़ आँच पर इसको पकाया तो ये मतलब क्रिस्पी नहीं बनेंगे और इसका रंग भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। यहाँ 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इसे फ्राई करने के लिए। और अच्छे से ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकालेंगे बाहर। गेहूं के आटे के जो लिंक है, ये गेहूं के आटे की स्प्रिंग रोल्स की सीड्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से निकालें और देख लें किस तरह से हमने गेहूं के आटे के ये रोल्स तैयार किए हैं। बच्चों को नुकसान भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैदा बच्चों को नुकसान करता है, गेहूं के आटे की हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अब बच्चे इंजॉय करेंगे, आप भी खुश, बच्चे भी खुश। तो यहाँ पर हमने ट्रे से में निकाल लिए हैं और मैं इन्हें कट करके दिखाऊँगी। काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं हमारी चॉकलेट स्प्रिंग रोल्स। तो अब ना हो परेशान, गेहूं के आटे के हेल्दी स्प्रिंग रोल्स आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। काफ़ी क्रिस्पी और जूसी हमारी ये बन के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है मेरी वीडियो, आ रहा है ना मुंह में पानी देखकर? तो फ्रेंड्स, झट से मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ मैं ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।